हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज मैं आपको कॉर्नफ्लावर की कुरलई बनाना सिखाऊंगी। चावल की कुरलई बनाना, मैदे की कुरलई बनाना तो आप लोग बहुत देखा होगा, लेकिन कॉर्नफ्लावर की कुरलई बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत झटपट से बन के रेडी हो जाता है और आपको इसमें ना फुलाने की झंझट, ना आटा तैयार करने की झंझट। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कॉर्नफ्लावर का कुरलई मैं कैसे बना के रेडी की हूँ, और देखने में देखिए कि कितना कलरफुल और अच्छा लग रहा है। तो कॉर्नफ्लावर का कुरलई बनाने के लिए मैं एक कटोरी से कॉर्नफ्लावर का मेजरमेंट कर ली हूँ। आप किसी भी कप से कटोरी से इसे नाप सकते हैं। इसे नाप के लेना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें पानी भी उसी नाप से पड़ेगा। तो इसे बड़े बर्तन में ले ली हूँ और इसमें एक छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप जब भी कोई पापड़ बनाए या कुरलई बनाए या फ्रायम बनाए तो नमक थोड़ा सा ध्यान से ही डाला कीजिए, सूखने के बाद ये कम हो जाता है। और मैं इसमें एक कटोरी पानी डाल के अभी इसे अच्छे से घोल लूँगी। अभी ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अभी कम पानी के साथ ही इसे पहले अच्छे से घोल लेना है। अब मैं इसमें बाकी का 3 कटोरी और पानी ऐड करूंगी, तो कुल मैं इसमें 4 कटोरी पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ज़्यादा बना रहे हैं तो जिस बर्तन से आप कॉर्नफ्लावर का नाप करेंगे उसी से आप 4 भाग पानी इसमें डाल लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे पकाने के लिए चूल्हे पे डाल दे रही हूँ। इसे लगातार चलाते हुए पकाना है क्योंकि बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, तो इसका चिपकने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, बर्तन में ये चिपक जाता है। तो इसे लगातार इस तरह से चलाते हुए इसे पकाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए 5 से 7 मिनट पकाने के बाद ये कुछ इस प्रकार का गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब मैं गैस के फ्लेम को लो करके इसे पकाऊंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम देके पकाने से अच्छा बनेगा। लो फ्लेम पे इसे इतना देर पकाऊंगी कि एकदम बिल्कुल ये गाढ़ा हो जाए। और इसे लगातार चलाते रहना है। वीडियो को फुल वॉच करके ही आप किसी भी रेसिपी को बनाएं, ऐसे आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी और आपका सामान बर्बाद नहीं होगा, आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से पकाते हुए देखिए ये और भी गाढ़ा हो गया है। इसे और 5 मिनट पका के और भी गाढ़ा इसे करना है मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार का गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार ली हूँ और इसे इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करके हल्का सा इसे ठंडा कर लूँगी। हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें कलर ऐड करूँगी। इसके लिए मुझे अलग अलग इसे निकालना होगा, 3 से 4 जगह। जितना कलर आप बनाना चाहते हैं उतना भाग में इसे बांट दीजिए। अब मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ, तो मैं फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मिठाई में डलता है। तो बस एक एक चुटकी मैं दे रही हूँ सब में कलर और इसे अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारे कलर को मिक्स करके रख लूँगी। कलर को मिक्स करने के बाद भी इसे ढक के छोड़ दूँगी
जब एकदम बिल्कुल ये जम जाएगा तब मैं आपसे मिलती हूँ, तब मैं आपको बताऊँगी इसे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल जम गया है। मैं इसमें कलर मिला के छोड़ दी थी ढक के एकदम बिल्कुल ठंडा करने के लिए। तो ठंडा होने के बाद कुछ इस प्रकार का एकदम जम गया है। तो इसे चम्मच से अच्छे से इस तरह से आप दबा दबा के इसे फिर से मैश कर लेंगे, क्योंकि इसे मुझे कुरले ही बनाना है तो इसमें थोड़ा सा इसे स्मूथ करना ज़रूरी होता है। तो आपके पास यदि ऐसा वाला कुरले का साँचा है तो आप इसमें बना सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरह का प्लास्टिक का साँचा आपको 60 से 70 रुपये में बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा, तो आप इससे भी बना सकते हैं। और यदि आपके पास कोई भी साँचा नहीं है, आप बिना साँचे के इसे बनाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको वो भी वीडियो बताऊंगी कि बिना साँचे का आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर ली हूँ किसी बर्तन पर। आप पॉलीथीन शीट पर भी इसे बना सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा तेल से इसे भी ग्रीस कर दी हूँ। और इसमें पतला जाली वाला जो डाई है उसका मैं इस्तेमाल करूँगी। इसमें बहुत सारा डाई आपको मिल जाएगा, तरह तरह का। आप उससे गाठिया, नमकीन कुछ भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा मशीन होता है। तो इस तरह से मैं इसे सेट कर दे रही हूँ। और इसमें भर दूंगी जितना कि एक बार में ये अच्छे से भर जाए। और इसे हल्का सा प्रेस करूंगी और इसका कुरले बना लूंगी। तो इसी तरह से मैं बाकी बचे हुए कलर का भी बना के कुरले रेडी कर ले रही हूँ। और बनाने के बाद इसे कड़क धूप में डाल दूंगी। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे भी डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे धूप में डाल दी हूँ सूखने के लिए। देखिए सूखने के बाद कुछ इस प्रकार का रेडी हुआ है। अभी देखने में काफ़ी छोटा छोटा है, जब इसे फ्राई करूंगी तो ये फिर से फूल के बड़े साइज का हो जाएगा। आप इसे स्टोर करके साल भर रख सकते हैं। ये खराब नहीं होता है और खाने में बिल्कुल चटपटा टेस्टी साइज का टेस्ट होता है। तो देखिए फ्राई करने के बाद इसका साइज काफ़ी बड़ा हो गया है। जितने बड़े साइज का इसे बनाई थी उतना साइज में वापस से आ गया है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।